कृष्ण हम ही हैं। कृष्ण देखो हमारे लिए कितना कुछ छोड़ के गए हैं। और कृष्ण का जीवन जब मैं पढ़ता हूं ना, मुझे भी रोना आ जाता है कि जिस इंसान का जन्म जेल में हुआ, आपका जन्म मेरा जन्म जेल में नहीं हुआ ना, नहीं। कितने भाग्यशाली हैं कृष्ण से, उसका तो जन्म ही जेल में हुआ। जन्म लेते ही माँ से अलग कर दिया, पला कहीं, पढ़ने को नहीं मिला, गायें चरा रहा है, छोटा सा बच्चा है, वो रोज कोई ना कोई राक्षस मारने आ जाता है। कितने दुख झेले कृष्ण ने, और कभी भी जिंदगी में कोई शिकायत या शिकन का नाम आया कि जी बिल्कुल। और 18 साल की उम्र में कंस से लड़ना पड़ा, और जिससे प्यार किया उससे कभी मिल ही नहीं पाया। राधा से एक बार बिछड़े तो 90 साल नहीं मिले जी। और सबसे अमर प्रेम कहानी बिल्कुल। तो देखो कृष्ण, फिर हम पूछते हैं भगवान मानते हैं, लेकिन कृष्ण ने जो दुख झेले उनको कभी हम देखते नहीं है ना। नहीं सर। तो हम कृष्ण से कितने अच्छे हैं ना, फिर भी हम रोते हैं कि हमारे जीवन, लेकिन कृष्ण के साथ जो हुआ वो हमारे साथ तो हो ही नहीं सकता। जब कृष्ण के मरने से पहले उनका पूरा परिवार, उनके सारे बेटे पोते उनकी आंखों के सामने कटकर मर गए। ऐसा किसी इंसान के साथ हो सकता है? इतना बड़ा परिवार हो, 56 संतानें कुछ शास्त्रों में बताते हैं, कुछ शास्त्रों में 80 संतानें बताते हैं, और फिर उनके भी बेटे, फिर आगे उनके पोते पोतियाँ बेटियाँ, कितना परिवार था कृष्ण का, सारे मर गए उनकी आंखों के सामने। क्या उतना दुख हम झेल पा सकते हैं, झेल सकते हैं? उनका सोचते हैं सिर्फ, तो ऐसा लगता है हम तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, अपा तो बहुत लकी हैं, बहुत लकी हैं। और कृष्ण, और देखो उन्होंने किया मानवता के लिए, कभी किसी के कोई अपना स्वार्थ तो था नहीं। महाभारत का युद्ध जीत जाएंगे तो उनको अर्जुन को ही राज्य मिलेगा, कृष्ण को क्या मिलना है? तो कुछ नहीं मिलेगा, मिली तो बदनामी, मिला तो शराब। द्रौपदी ने कहा कि तेरी वजह से मेरे बेटे मर गए, कुंती ने श्राप किसको दिया, गंधारी ने श्राप किसको दिया, सब ने दोषी किसे ठहराया? कृष्ण को दोषी ठहराया ना। तो आप सोचते हैं कि हमें कोई प्यार करेगा या हमें कोई रिगार्ड देगा, जब भगवान को रिगार्ड नहीं लोगों ने दिया, दोषी भगवान को ही ठहरा दिया, तो आप क्यों तो है ही क्या उनके आगे हैं, हम तो उनके आगे हैं ही क्या। तो देखो तो इस दुनिया में कोई किसी का नहीं हो सकता, इसीलिए जीना हमें अपने दम पर है। तो ये कृष्ण गीता में और अपने जीवन से संदेश देखे गए हैं, तो उन्होंने जो झेला वो तो उनके जीवन से हम समझ सकते हैं। उनका पूरा जीवन भी जानेंगे, बचपन से लेकर के 108 साल तक का उनका पूरा जीवन, मैंने उनका जीवन पूरा पढ़ा है, वो नहीं जो ग्रंथों में दिखाया गया है, टीवी सीरियल पर दिखाया जाता है, वो तो नकली दिखाया जाता है, असली में ऐसे कृष्ण नहीं थे, असली कृष्ण बहुत अलग थे। ये तो बस ऐसे ही प्रमोशन बना दिया कृष्ण का। देखो जो कृष्ण के साथ इतना कुछ हो सकता है तो हम तो कुछ भी नहीं है सर। हाँ, और मरे तब अकेले थे, कोई नहीं था, एक तीर लगा पैर में और मृत्यु हो गई। तो हमें रोने की जरूरत है, हमें सोचने नहीं है सर, सब ये सब सुनते हैं तो हम तो बहुत लकी माने अपने खुद को कि हम बहुत ठीक हैं। शायद कुछ ऐसा हम ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं, हम लाइफस्टाइल अपना ख़राब कर लेते हैं, इस वजह से ही हम आज बहुत दुनिया, पहले इतना डिप्रेशन वगैरह कुछ था ही नहीं सर, काम इतना होता था कि लोगों को टाइम ही नहीं मिल पाता था इन सब चीज़ों के लिए कि OCD क्या है, डिप्रेशन क्या है, सोचने का ही टाइम नहीं था। सुबह से लेकर रात तक इतना बिजी लाइफ उनका चलता था। अब जितना खालीपन लाइफ में हम बढ़ाते जा रहे हैं तो उतना ही डिप्रेशन और इन चीज़ों का शिकार होते जा रहे हैं। बिल्कुल। और ये इन्हीं सालों में ये ज़्यादा केसेस देखने में आ रहे हैं, पहला इतना कुछ था ही नहीं। आज जैसे सिख धर्म में गुरुओं को पूजा जाता है, तो गुरु गोविंद सिंह जी के साथ क्या हुआ था देखो,
बेटों को, छोटे छोटे बेटों को जी उनकी आंखों के सामने मार दिया गया, मार दिया गया था, खुद भी मरना पड़ गया। तो देखो उनके साथ जब इतना हो सकता है तो हम उनसे कितनी अच्छी अवस्था में फिर भी हम दुखी रोते ही हैं, दुखी रोते रहते हैं। हैं तो क्या हमारा रोना जायज है? नहीं, वो हम यही है कि शायद हम खुद को पहचान ही नहीं पाते हैं। हाँ। कि हम किस लेवल पर है और हम क्या खुद को समझ रहे हैं इस हाँ। पर, और हम कितना ही इस चीज से आगे बढ़ भी सकते हैं। बिल्कुल बढ़ सकते हैं। तो अब देखो हमारे लिए क्या है कि कर्म करना है, मानवता के लिए कर्म करते जाएं, खुशियां बांटते जाएं, बस खुशियां मिलेंगी ना मिलेंगी। कृष्ण को, राम को हम भगवान मानते हैं, राम को घर छोड़ के 14 साल वनों में घूमना पड़ा, क्या आपको वनवास या मुझे वनवास हुआ? बिल्कुल नहीं, हम तो अपने घर पे बैठे हैं, सब कुछ मिल रहा है हमें। हाँ, जंगलों में तो नहीं भटकना पड़ता, बिल्कुल नहीं भटकना पड़ता। देखो जिनको हम भगवान मान के मूर्तियों में पूजते हैं, लेकिन उनके जीवन की जो घटनाएं हैं, उन्होंने क्या सहा, उसको कभी याद करते हैं? नहीं करते सर, अपना ही रोना रोते रहते हाँ। हैं हम हर टाइम। अगर शायद हम उनका देख के खुद को साथ जोड़ते, कुछ करते, तो शायद हम कुछ भी नहीं है हाँ, कुछ तो। भी नहीं, हमें कभी कोई तकलीफ़ या परेशानी होती ही नहीं, क्योंकि तकलीफ़ें परेशानी तो आएंगी लेकिन उनसे फिर हम घबराएंगे नहीं, सब कुछ हो जाएगा, चाहे एक्सीडेंट हो जाए, सबका होता है, मरते भी हैं, कोई इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा, एक दिन सबको मर अमर तो जाना। कोई भी नहीं है सर, हाँ, सब तो ने, इसलिए, सब आए हैं जो जितने, सब हाँ जाना तो है जाना है इसलिए सब ने भी। बस जिंदगी जब तक है तब तक खुशी खुशी जीते जाएं, बस आज मिला है, कल कल का का भी नहीं सोचने पता की सर, जरूरत नहीं, नेक्स्ट घंटे का में क्या होने वाला है वो ही नहीं पता हमें। बस अधूरा मन में नहीं रखना, जो हुआ उसे जाने दो। बचपन में किसी ने कुछ भी कहा, किसी ने कुछ किया, कर दिया, जो सब कुछ अब मिट्टी हो चुका है, वो वापस नहीं आ सकता। अब उसके बारे में सोचेंगे तो भी कुछ भी हाथ नहीं आएगा, सिर्फ दुख सिर्फ के। दुख के अलावा हाँ जो पास्ट में जाकर तो हम कुछ चेंज कर ही नहीं सकते, उस पास्ट की वजह से हम आज अपना प्रेजेंट भी खराब करें और फ्यूचर फ्यूचर भी खराब हो ही खराब कर जाएगा, रहे हैं। तो अभी हमारे हाथ में प्रेजेंट है, उसमें जी लेते हैं, बस ऐसा सोच ऐसी रखें कि किसी के लिए कुछ ऐसा कर जाएं कि किसी के चेहरे पे खुशी आ जाए, बस बांटते चलें, जी सर, इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा भी यहीं रह जाना है, ज़्यादा सब इकट्ठा कुछ की, यहीं रह जाना है, ज़्यादा रिश्ते इकट्ठा किया नाते तो लड़ाई पैसा सब करेंगे, यहीं बच्चे रह लड़ाई जाना है। करेंगे, कोई चोर ले जाएगा, ज़्यादा पैसा भी तो टेंशन देता है ना, बिल्कुल उतना कमाएंगे उतना ही इंजॉय करेंगे, जितना जी सर, कमाएंगे बहुत, हो सकता है किसी की मदद भी करें, जी सर, हाँ कमाना पूरा है, जितना कमा सकते हैं कमाएंगे, लेकिन उसका पूरा यूज करेंगे, जी, उसको मानवता के लिए लगाएंगे, जी हमने भिखारी भी नहीं बनना है, सन्यासी नहीं बनना है, घर में रह करके। मेहनत तो हाँ करनी है। तो ये थोड़ी सी बातें गीता श्लोकों से पहले परिचय से संबंधित हो गई, जी सर, तो अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं? काफ़ी रिलैक्स हूँ मैं इस टाइम पर, शायद मैं इतना बोल भी नहीं पाती हूँ या जो भी है, बट अभी माइंड मेरा काफ़ी रिलैक्स है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये सब जो चीज़ें डिपॉजिट थी वो धीरे धीरे शायद रिमूव सारी हो हो जाएंगी। जाएंगे। तो जी सर, कृष्ण हमारे बीच में नहीं है, ये तो दुख की बात है, लेकिन गीता में जो अपने आप को ही छोड़ गए हैं, वो पूरा का पूरा कृष्ण गीता में मिल जाएगा, जी सर, कृष्ण का ज्ञान पूरा गीता में आ गया, कृष्ण किस सोच के से जीते थे, कैसे मुसीबतों का सामना करते थे, कैसे वो झेलते थे दुख को, चिंताओं को, कैसे वो झेलते थे, सब कुछ उन्होंने गीता में गीता में बोल दिया, तो हमारे लिए कितनी खुशी की बात है ना। सर, ये जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो सिर्फ एक पढ़ने के लिए नहीं लिखे गए हैं, उनमें हाँ बहुत, चाहे वो महाभारत है, चाहे वो रामायण है, चाहे वो गीता है, सब चीज़ों के पीछे एक बहुत बड़ा दुनिया को एक संदेश दिया गया हाँ है, पर उन उसी चीज़ को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, मेरा ना, तो यही बस मानना रहता बिल्कुल है सर। आपने जो बात कही है ना, शुरुआत तो ऐसे ही हुई थी, इन ग्रंथों का असली मकसद यही था लिखने का कि मानवता को एक दिशा मिले, दिशा मिले जो समस्याएं हैं वो सोल्व हो जाएं, दुख कम हो, लेकिन बाद में गड़बड़ हो गई, पर इसका पंडित यूज ही अलग हाँ गलत तरीके कर से दिया, किया कुछ गया लोगों ने है लालच के कारण इन ग्रंथों को तोड़ मरोड़ दिया, जी, इनको गलत बिल्कुल ढंग से पेश कर दिया, असली जो इनका संदेश था वो छिप गया, एक बिजनेस बन गया और एक डराने का काम ये करने लगे, कोई जी सर, नरक के नाम से, कोई किसी के किसी नाम से, नाम से ये किया पंडितों ने,
क्योंकि उनको पढ़ने लिखने का अधिकार। टाइम तो इसका पीछे ये हाँ, रीजन की शुरुआत तो बहुत अच्छे के लिए हुआ। जी बिल्कुल, कुछ लिखा गया तो वो कुछ करने के लिए बहुत महान है, इसी कारण से तो भारत विश्व गुरु था ना। जी बिल्कुल, हाँ, तो ये अमूल्य धरोहर थी। लेकिन बाकी ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन गीता के जो श्लोक है ना वो ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किए गए हैं। किए तो गए हैं लेकिन ज्यादा नहीं हो पाए हैं, लेकिन उनमें से हम असली चीजें निकाल सकते हैं, वो कृष्ण को पूरा गीता से समझ सकते हैं। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि गीता हमारे हाथ में है तो कृष्ण हमारे साथ में है। तो जब गीता की यात्रा करेंगे तो हमें लगेगा कि कृष्ण हमारे साथ है। जब कृष्ण साथ है तो बताइए किसी और इंसान की जरूरत है, किससे क्या लेना, किससे क्या चाहिए। बिल्कुल, तो ये बातें रही कि गीता में क्या होगा या जो पात्र हैं वो हमारे लिए किस रूप किस रोल में है, उनका रोल क्या है, उनका रिलेशन होता है। तो और क्या आप गीता के बारे में जानते हैं या आप गीता के बारे में क्या सोचते हैं, एक बार वो बता दीजिए। सर, गीता के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है। मैं यही कहूँगी, मैंने पढ़ा जरूर है, जैसे मैं सबके लिए बोलती हूँ, जैसे बोल भी रही हूँ कि हम पढ़ लेते हैं, पर हमें इसका इसके पीछे क्या हमें संदेश दे रहा है, क्या है वो, हर समझते होंगे लोग। मैं ये नहीं कहती कि मैं नहीं समझती, तो कोई नहीं समझता है, बट मुझे सर इसके बारे में, इसके पीछे के हर एक श्लोक के संदेश के बारे में मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। बहुत अच्छी बात। और सर अगर होता तो शायद हम लोग भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। आपने सबसे कीमती बात कह दी कि आपको नॉलेज नहीं है, यही सबसे बड़ी नॉलेज है। जी सर, अगर आपको गीता के बारे में पता होता तो गीता आपके काम की नहीं होती, क्योंकि वो पुराना ज्ञान फिर नए को नहीं आने देना आता। आप अभी आप कोरे कागज हैं तो आप पर कुछ भी लिखा जा सकता है। अगर कागज पहले ही लिखा हुआ है तो क्या उस पर लिखा जाता, तो पहले और दूसरा मिलकर के वो कुछ अलग ही लैंग्वेज बन जाती ना। तो आप कोरा कागज होना ये सबसे बड़ा ज्ञान है। बस गीता के बारे में और कुछ भी सुना है ये भी छोड़ दें कि गीता में कृष्ण भगवान है, ये भी बात छोड़ देना है। कृष्ण भगवान नहीं है, वो हमारे मन का ही एक जागा हुआ रूप है या हमारी चेतना का हाईएस्ट शिखर है। जब भगवान मान लेते हैं तो हम सोचते हैं कि ऐसे तो हम बन ही नहीं सकते, ये तो कृष्ण के ही बस की बात थी, हमारे बस की बात नहीं है, तो हम फिर प्रयास नहीं कर पाते हैं। जी सर, तो हमने उनको सर, हम भी एक भगवान ने अगर हमें भेजा तो वो हमें उन्हीं का अंश, हाँ, अंश तो है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो उन्होंने भी हमारे अंदर ऐसी ही शक्तियां हैं हमारे अंदर जिनको हम शायद आज तक पहचान भी नहीं पाए हैं। और अगर ठीक है आपके मार्गदर्शक में हम जैसे भी हैं, अगर हम अपनी शक्तियों को पहचान पाएंगे तो शायद हम इन सब चीज़ों से ही बाहर निकल जाएंगे, और जो ज्ञान इनके अंदर जो है वो आप हमें बताओगे। बिल्कुल। भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, पहला अध्याय कौन सा है? पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। हाँ जी सर। तो पहला अध्याय कौन सा है? अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग। पहले अध्याय का क्या नाम है? अर्जुन विषाद योग। अच्छा, विषाद को, विषाद को क्या कहते हैं? विषाद सर ये होगा एक टक, क्या बोलते हैं? सोचो कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, विषाद का मतलब अवसाद, डिप्रेशन। डिप्रेशन, तो गीता की शुरुआत डिप्रेशन से ही होती है। पहला अध्याय ही गीता का क्या है? विषाद योग। तो रिया जी, अब आप खुद को लक्की माने कि आपको विषाद हुआ है। अगर विषाद नहीं होता तो हम गीता तक नहीं पहुंचते। और हमें अर्जुन का कोटि कोटि धन्यवाद करना बनता है। अगर अर्जुन विषाद में नहीं जाता तो गीता तो हमारे अध्याय नहीं बनता। तो गीता कभी भी कृष्ण नहीं कहते, क्योंकि गीता कहने का कृष्ण का कोई मतलब या उनका कोई दायित्व, पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण ने गीता कहने के लिए ये किया वो किया, कृष्ण ने कुछ भी नहीं करते थे। वो जैसी परिस्थितियां, हाँ, परिस्थितियों के कारण अपने आप गीता कहनी पड़ गई उनको। कृष्ण गीता कभी भी नहीं कहते, क्योंकि उन्होंने कभी किसी के जीवन में इंटरफेयर किया ही नहीं, कभी किसी को शिक्षा नहीं दी।
कृष्ण की खास बातें हैं। कृष्ण एक बेहतरीन काउंसलर इसलिए भी हैं क्योंकि वो किसी की निजी जिंदगी में कभी इंटरफेयर नहीं करते थे, किसी को धक्के से शिक्षा नहीं देते थे। लेकिन आजकल के धर्मगुरु तो धक्के से सिखाने में बैठे हुए हैं। वो किसी को ना गलत कहते थे ना सही कहते थे, उसको उसी हाल पर छोड़ देते थे कि जैसा जो कर्म करेगा वैसा उसको फल मिल जाएगा। वो अपना कर्म करते थे मानवता का, लेकिन जो मानवता के रास्ते में आ जाता था उसको वो उड़ा देते थे। जो मानवता के लिए खतरा पैदा कर देता था या खतरा बन जाता था वो कृष्ण के लिए खतरा, तो कृष्ण उसे हटा देते थे। कृष्ण किसी को पर्सनल दुश्मनी के लिए नहीं मारते थे। जैसे जरासंध एक राजा था जी। वो जरासंध की खास बात क्या थी कि वो कृष्ण को ही दुश्मन मानता था, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को, बाकी लोगों को कुछ नहीं कहता था। तो वो मथुरा पर आक्रमण करता है, बहुत बार आक्रमण करता है, लेकिन उसका टारगेट एक ही था कि मुझे कृष्ण को पकड़ना है। तो अगर कृष्ण मथुरा में नहीं है तो वो बाकियों को कुछ कहता ही नहीं था, बाकी आम लोगों को नहीं मारता था, वो अच्छा राजा था। तो कृष्ण ने कभी उसे मारा ही नहीं। जब कृष्ण को वो मारने आया जरासंध, तो कृष्ण ने नहीं मारा, क्योंकि कृष्ण की फिलोसफी ये थी कि मेरा दुश्मन है वो, मेरा दुश्मन है, मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि दुश्मनी तो मुझसे रखता है ना, लेकिन वो मेरा दुश्मन नहीं है। जो मुझे अपना दुश्मन मानता है मैं उसे अपना दुश्मन नहीं मानता। तो कृष्ण जरासंध को शुरुआत में दुश्मन मानते ही नहीं थे, लेकिन जो मानवता का दुश्मन है वो कृष्ण का दुश्मन है, कृष्ण उसे नहीं छोड़ेंगे। और जब जरासंध ने 100 राजाओं को मारने की प्रतिज्ञा कर ली कि मैं 100 राजाओं की बलि दूंगा, तब वो मानवता का दुश्मन मन गया था, तब कृष्ण उसे मार देते हैं, तब वो कृष्ण का दुश्मन बन गया, लेने पे आ गया था। हाँ, तो ये कृष्ण की खास बात थी। देखो कृष्ण कितने महान थे, कितने, हमें क्या लगता है कि जो मेरा दुश्मन है वो ही मेरा दुश्मन है, वो नहीं है। जो मानवता का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। तो कुछ लोग ऐसे हैं ना जो हमें दोस्त नजर आते हैं लेकिन मानवता के दुश्मन है, तो वो हमारे दोस्त कभी नहीं हो सकते, वो हमारे दुश्मन है। तो ये गीता से हमें समझना है कि जो मानवता का अच्छा कर रहा है वो हमारा दोस्त है जी, वही हमारा असली दोस्त। मानवता आगे वो बुरा करेगा ही नहीं, हाँ, करेगा ही नहीं, हाँ, जिसमें मानवता नहीं है तभी सब, हाँ, सब काम। और वो हमारे लिए कितना भी अच्छा कर दे लेकिन उसके अच्छे में भी एक लाल वो फ्रेब होगा, एक बुरा होगा। तो ऐसे लोगों से कुछ नहीं राबता रखना जो मानवता के दुश्मन है जी। और हमारे असली दोस्त वही है जो मानवता के दोस्त है, जो मानवता के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं वही असली इंसान है। ऐसे इंसानों से हमें प्यार करना है जी सर, बिल्कुल ठीक है। देखो कृष्ण की इसीलिए तो कृष्ण महान है कि उनके अंदर कितनी क्वालिटी थी। तो एक देखिए तो अर्जुन का कोटि कोटि धन्यवाद कि अर्जुन को डिप्रेशन हुआ तो गीता हमारे हाथों में आई। तो डिप्रेशन होना बुरा नहीं है। अर्जुन को डिप्रेशन हुआ तो मानवता को एक वरदान मिल गया ना, एक अमूल्य भेंट मिल गई। और कृष्ण की गीता ने करोड़ों लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकाला। तो एक अर्जुन डिप्रेशन में गया लेकिन डिप्रेशन से बाहर लाखों करोड़ों आ गए। तो इसी प्रकार आपको डिप्रेशन हुआ है तो ये हो सकता है कि आपके लिए वरदान हो जी, बिल्कुल हो सकता है ना जी जी। हाँ, तो आप डिप्रेशन में गए हो तो ये बुरा नहीं है, ये हो सकता है कि बहुत अच्छा हो, आपको कुछ नया मिल जाए। क्योंकि डिप्रेशन में इंसान चला जाता है तो उसकी ज़िंदगी यू टर्न मार लेती है। मैंने ये देखा है कि जो इंसान डिप्रेशन में चला गया उसकी ज़िंदगी नई शुरुआत होती है, वो जो पहले कर रहा था वो अलग ही हो जाता है जी, उसका सिस्टम सारा बदल जाता है। डिप्रेशन से जब बाहर आता है तो वो अलग इंसान बन के आ जाता है जी, बिल्कुल। ऐसा मैं बताता और भी बहुत सारे उदाहरण। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ को डिप्रेशन हो गया और घर छोड़ के निकल गए और हमें एक नायाब तोहफा मिला महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध का अगर सिद्धार्थ को डिप्रेशन ना हुआ होता तो वो रूप आता ही नहीं। हाँ, तो रूप नहीं आता ना, बिल्कुल। तो देखो डिप्रेशन होना बुरा नहीं है। एक संत हुए हैं, जो संत बनते वो डिप्रेशन में ही थे ना पहले, संत बन गए। तो डिप्रेशन होना हमें नया कुछ मार्ग बता रहा होता है, लेकिन हम क्या है कि डिप्रेशन को गलत मान लेते हैं और दवाओं के चक्कर में फिर वो नया जो
बीज फूटना था, अंकुर निकलना था, वो नहीं निकल पाता है। क्या सोच रहे हो? बस कुछ नहीं सर, इसी पे ही दिमाग में चल रहे हैं। क्या डिप्रेशन रिलेटेड हो गया या जो भी? हाँ जो भी है, तो ये समस्या आई है तो ये बहुत बड़ी। हाँ सही है सर, जो पहले हो सकता है पहला कुछ और भी इन चीजों के साथ हमारे अंदर कोई बुराइयां हो या जो भी हाँ। हो सकता है इस चीज से बाहर निकलने के बाद वो चीजें भी साथ साथ खत्म हो जाए, वो भी खत्म हो जाए, और हो सकता है कि हमारी सोच पूरी बदल ही जाए, पूरी फिर हम एकदम प्रकृति हमेशा देखो वृक्ष वृक्षों को हिलाती रहती है, जो जो कमजोर है वो गिर जाए, जो मजबूत है वही रहेंगे ना। आंधी देती है, सब कुछ देती है, जो मजबूत होगा वही। तो हमारे जीवन में समस्याएं आई हैं, हम मजबूत होंगे तो ही उभर पाएंगे ना। कमजोर है तो प्रकृति कमजोर चीज को तो बर्दाश्त ही नहीं करती, प्रकृति कमजोर लोगों को भी बर्दाश्त नहीं करती। हाँ तो कमजोर लोगों को भी प्रकृति खत्म कर देती है, कि कमजोर का इस दुनिया में रहने का अधिकार नहीं है। कमजोर शरीर से नहीं, मन से, मन से कमजोर। तो अब देखो आप कमजोर नहीं हो, आपको पता है आपने करोड़ों की रेस जीती है। बिल्कुल, कहाँ नॉर्मल इंसान तो अपनी जिंदगी जी रहा, जो इन चीजों से निकल कर एक अपनी नई जिंदगी बनाएगा वो एक नया जन्म। आपको पता है आपने अपने जन्म से पहले भी एक करोड़ों की अरबों की रेस जीत ली? ये तो नहीं समझ में आएगा। अरे आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपको पता है। चलिए मैं बता देता हूँ, आप मानोगे फिर तो आप एकदम अच्छा महसूस करोगी। जी बिल्कुल बताता हूँ, आज मैं पूरी कहानी बताता हूँ, ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है। तो हुआ क्या कि एक रात आपके मम्मी पापा मिले तो प्रकृति ने मिलाया उनको जी। उनकी कोई इच्छा नहीं, ये इच्छा भी प्रकृति ने भेजी है, इंसान अपने आप कुछ नहीं करता, प्रकृति करवाती है ना। तो आपके मम्मी पापा का मिलन हुआ जी। तो उसमें क्या हुआ कि उस समय मम्मी के गर्भाशय में एक अंडा भी आया हुआ था जी। और पिताजी का जो वीर्य निकला, उस वीर्य के अंदर करोड़ों शुक्राणु होते हैं, 15 से 16 करोड़ शुक्राणु होते हैं जी, जी। वो फिलोपियन ट्यूब होती है जी। उसमें वो दौड़े अंडे से मिलने के जी, लिए जी, जी। लेकिन उनकी दौड़ इतनी आसान नहीं होती है, उनको रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। तो करोड़ों पहली बाधा में ही मारे गए, फिर कुछ आगे वाइट सेल्स मिलते हैं, उनको लगता है ये तो वायरस आ रहा है, तो वो आक्रमण कर देते हैं, जंग होती है, उसमें करोड़ों मारे जाते हैं। फिर और बहुत सारी बाधाएं आती हैं, कुछ जो साइंस में ये पूरी चीजें मिल जाएंगी। तो आखिर में अंडे तक एक ही पहुंचता है, और वो कौन होता है? वो जो सबसे तेज, सबसे स्वस्थ, वो अंडे से मिलता है ना। कमजोर तो रास्ते में रह गए, कमजोर तो थे वो रास्ते में मारे गए, कमजोर तो वहां तक पहुंचते ही नहीं। लेकिन आपके साथ साथ बहुत से वहां पहुंचे थे, कोई इधर भाग गया, कोई इधर भाग गया, तो लेकिन आप सबसे ज्यादा तेज थे, बुद्धिमान थे, आप एकदम से जाके अंडे में घुस गए। अंडे में घुस गए तो अंडा बंद हो गया, बाकी अब कोई नहीं घुस सकता था। तो अब अंडे में गए, फिर वो प्रक्रिया शुरू हो गई, फिर उससे बच्चा बनना स्टार्ट हो गया, और 9 महीने बाद आपका जन्म हो गया जी, जी। तो आपको पता है कि आपने जन्म से पहले ही करोड़ों की रेस जीती है जी। बिल्कुल सर। तो बताइए कौन सी रेस की बात करते हो? यहाँ कुछ जीतने तो नहीं आए ना जी। जीत करके तो आए हैं, यहाँ जीतने नहीं आए हैं, तो यहाँ तो जश्न मनाने आए हैं। जीत तो हो गई, जीत तो हो गई, तो ये जन्म जीत का जश्न मनाने के लिए मिला था, और हम कहाँ खो गए? जी बिल्कुल सर। देखो वो भी करोड़ों इंसान पैदा हो सकते थे, लेकिन हम तेज थे, हमारी वजह से वो रह गए ना जी। बिल्कुल रह गए। तो आप बताओ कैसा फील कर रहे हो? अच्छा फील कर रहे हैं सर, अच्छी अच्छी चीजें भी मिल रही है, कितना लेवल तक हम सोच भी नहीं सकते। हाँ लेकिन है लिखा सब कुछ, ऐसी बात नहीं है, पर किस चीज के साथ कौन सी चीज जुड़ी है ये हम सोचते नहीं। ये तो हमारी विडंबना है कि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन जीवन में नहीं आती ना चीज़। वो जीवन में महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है।
भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा, आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब, भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक फायदे अनेक, आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।